15 अगस्त के मद्देनज़र लगातार पंजाब तो इलावा चंडीगढ़ के भी काफ़ी सख्ती जी की गई है। कई इनपुट्स तो बाद हूँ चंडीगढ़ के जिन्हें भी बस स्टैंड है या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया है उत्थे लगातार चैकिंग की जा रही है। हालांकि कई इनपुट से 15 अगस्त तो पहला जिसनों साझा किया गया है इंटेलीजेंस ने CID विंग ने, इस करके पूरा जो चैकिंग है वह की जा रही है। चंडीगढ़ के सैक्टर 43 बस स्टैंड की तस्वीर ने जिथे हालांकि पंजाब तो हिमाचल तो जम्मू कश्मीर तो इतने बसिस आदि है। तो पिछले दिन कई इस तरह के इनपुट से जिसनों लैके हूँ 15 अगस्त तो पहला यह लगातार चैकिंग की जा रही है और खास तौर पर जिन्हें भी बाहर तो जी गड्डियां आ रही हैं हिमाचल की असी गल कर लिए पंजाब की उत्थे चैकिंग जी है की जा रही है और पुलिस वालों लगातार ये अलर्ट दिता गया। 43 बस स्टैंड इस करके भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अहम हो जाता है क्योंकि पंजाब बॉर्डर एरिया तो या फिर जम्मू कश्मीर हिमाचल तो भी जी बसिस आंदी है क्योंकि पिछले दिन NDPS के कई मामले सामने आए होर भी कई चीज़ों का इन्फॉर्मेशन से इस करके पुलिस वालों लगातार ये चैक किया जा रहा है गड्डियां जी भी आ रही है। हालांकि इस तों इलावा भीड़ भाड़ वाले एरिया की असी गल कर लिए या पंजाब तो जिहड़ी बसिस आ रही है उन्हां दी जिहड़ी चैकिंग है वह की जा रही पंजाब जिहड़ी बसिस दे विच जिन्ने भी जिहड़े गड्डियां च जिहड़े पैसेंजर आ रहे हैं उन्हां दी पूरी चैकिंग जिहड़ी है वह की जा रही है और मकसद यही है कि किसी भी तरह का कोई सस्पैक्ट या किसी भी तरह का कोई शरारती अंसर किसी वारदात नूं अंजाम ना दे सके। ये जिथे भी जिन्हें जिथों ये पंजाब रोडवेज या जिहड़ी हिमाचल रोडवेज या फिर जम्मू कश्मीर तो गड्डियां आ रही है उन्होंने रोक के पूरा चैकिंग किया जा रहा है। हालांकि कई थावां ते ये पूरी चैकिंग अभियान जिहड़ा है वह किया जा रहा है और खास तौर पर जिन्हें भी पैसेंजर ने जिन्हें भी जिहड़े लोग ने उन्हां दी खास तौर पर चैकिंग जिहड़ी है वह की जा रही है। तस्वीरां सैक्टर 43 बस स्टैंड की है जिथे ये पूरा चैकिंग जिहड़ा अभियान है वह किया जा रहा है तो मकसद यही है कि किसी भी तरह का हालांकि पूरा अलर्ट जिहड़ा है वह जारी किया गया है कि पूरे जिहड़े बॉर्डर एरिया खास तौर पर क्योंकि चंडीगढ़ जिहड़ा है वह पूरा बॉर्डर एरिया है जिस करके इत्थे काफी इंतजाम किए गए ने। चौकी इंचार्ज जी साढ़े नाल ने, सर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, चैकिंग किस तरह से की जा रही है, खास तौर पर कौन कौन सी गाड़ी? ये हम सर इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग सेक्टर 43 सेक्टर 17 बस स्टैंड पर और भीड़ भाड़ के एरिए में जो ये अपने बस स्टैंड पर जो पंजाब हरियाणा और जम्मू J&K से बसेज आ रही है उनके हम पूरी हरेक बसेज की प्रॉपर लगेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर चेकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सर सुबह शाम ये कंटिन्यू चल रहा है? ये कंटिन्यू है सुबह शाम ज्यादा जिस टाइम रश होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू है 15 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। सर नाइट को किस तरह से अरेंजमेंट किए गए जो नाइट में गाड़ियां वगैरह? नाइट में हमने बसेज है QRT लगा रखी है, QRT चेक उनके साथ मिलकर हम रात को चेक करते हैं, सरप्राइजली चेकिंग करते हैं, जो हमें सस्पेक्टेड लगता है उससे हम पूछताछ करते हैं क्योंकि सर ये बहुत सेंसिटिव है जम्मू कश्मीर से पंजाब से जैसे आपने बताया, तो और भी अरेंजमेंट्स कुछ किए हैं, फोर्स वगैरह बढ़ाई गई है यहाँ पर? बिल्कुल जी, हमने अलग से टैंगो और रिजर्व बुलाई हुई है, QRT बुलाई हुई है, उसके साथ मिलकर हम ये प्रॉपर चेकिंग करते हैं। तो बिल्कुल जिदा सामने कहा कि पूरा होर भी फोर्सेज जी बताई गई है और मकसद यही है कि जी बाहर तो बसेज आ रही है उन्होंने प्रॉपर चैकिंग है क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है पंजाब के नाल हरियाणा का हिमाचल का, इस करके प्रॉपर जी चैकिंग है वो की जा रही है और खास तौर पर मद्देनजर क्योंकि 15 अगस्त हूँ नेड़े है और पूरे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, लगातार मीटिंग्स की जा रही है पंजाब की, चंडीगढ़ के जो सीनियर अफसर है उन्होंने भी मीटिंग लगातार जारी है और इसे करके पुख्ता इंतजाम या पूरा पुख्ता जी सिक्योरिटी और खास तौर पर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जिहड़े भीड़ भाड़ वाले एरिया उत्थे जिथे भी जी बाहर तो गड्डियां आ रही है बाहर तो लोग आ रहे हैं उन्होंने समान उन्होंने बैग्स उन्होंने जिन्ने भी लगेज है उन्होंने सारे की जी चैकिंग है वह की जा रही है और पुख्ता चैकिंग की जा रही है। हालांकि कई सस्पैक्ट काबू किए गए थे उन्होंने पूछगिछ की गई है, जिहड़े भी सस्पैक्ट या शक्की होंगे हैं उन्होंने समान की पूरी चैकिंग की गई है। हालांकि हजे तक इस तरह का कोई भी कोई रिकवरी नहीं हुई है लेकिन मॉर्निंग की असी गल कर लिए इवनिंग की रात की असी गल कर लिए QRT जी है वह लाई गई है
ਔਰ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਸਰਾਏ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।